पुराना खंडहर, एक डरावनी कहानी आप लोग सुनने जा रहे हैं। शहर से दूर एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वहां पर किसी चुड़ैल का वास है। कुछ लोग इस बात को सच नहीं मानते थे, लोग वहां दिन में जाने से भी डरते थे। सच क्या है, झूठ किया है, इसका पता लगाने के लिए 5 दोस्त राजू, मोनू, सीना, शालिनी और रघु उस खंडहर में जाने का प्लान बनाते हैं। पांचों दोस्त जब खंडहर के पास पहुंच जाते हैं, तब वहां का नजारा देखकर रघु की हिम्मत नहीं होती कि वहां खंडहर में जाए, और वह उन चारों को भी वहां से लौट जाने के लिए बोलता है। परंतु वह चारों उसे अनसुनाकर अंदर चले जाते हैं और रघु से बोलते हैं वह जब तक वापस नहीं आते वह उनका वही इंतजार करें। चारों के अंदर जाते ही खंडहर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लगते हैं। यह देखकर शालिनी डर जाती है। राजू कहता है हवा इतनी चल रही है कि दरवाजा खुद खुल गया होगा। सीना को उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है, उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे हाथ लगाया हो। सीना जैसे ही पीछे देखती है वहां कोई नहीं रहता। सीना बहुत घबरा जाती है और वहां से वापस जाने को बोलती है, परंतु कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं होता। कुछ समय बाद खंडहर से किसी के रोने की आवाज आती है। सभी बहुत डर जाते हैं और हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं, परंतु जैसे ही वहां लोग आगे बढ़ते हैं उनके पीछे से सीना के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीना उन्हें कहीं नजर नहीं आती। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। सभी अलग अलग दिशा में जाते हैं। उधर राजू को एक बहुत भयानक चेहरा दिखता है, जिसे देखकर राजू डर जाता है और तुरंत दूसरी तरफ भागता है। तभी शालिनी जोर से चीखती है, उसे सीना की लाश खून से लथपथ दिखती है। राजू और मोनू भी वहां आ जाते हैं। सीना की लाश देख वह तीनों घबरा जाते हैं और अब राजू बोलता है हमें अब इस जगह से चले जाना चाहिए, वरना वह रोती आवाज और वह औरत किसी को नहीं छोड़ेगी। इतना बोलकर राजू वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह गिर जाता है और जैसे ही उठता है उसके सामने एक चुड़ैल नजर आती है, जो कहती है कोई नहीं बचेगा, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, और वहां चुड़ैल राजू को मार देती है। इधर शालिनी और मोनू ने अपने दो साथी खो दिए थे, उनका यह आना ही सबसे बड़ी गलती थी। शालिनी ऐसा बोलते हुए रोने लगती है। तभी शालिनी के साथ साथ वहां किसी और के भी रोने की आवाज आती है। वह दोनों सब तरफ देखते हैं, तभी मोनू को सीना नजर आती है जो रो रही थी। मोनू उसके पास जैसे ही जाता है वहां एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। यहां देखकर मोनू और शालिनी भागने लगते हैं, परंतु उनके भागने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां से बाहर जाने का तो रास्ता ही नहीं है। पूरा खंडहर डरावनी आवाज से गूंज रहा था। दोनों एक कोने में छिपकर बैठ जाते हैं। शालिनी कहती है क्या हम नहीं बचेंगे? मोनू बोलता है कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही यहां से बाहर जाने का। तभी राजू की आवाज आती है शालिनी शालिनी कहां हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मेरे पास आओ। शालिनी अपने मुंह को दबाते हुए रोने लगती है। तभी अचानक राजू का भूत खून से लथपथ चेहरे लिए हुए उनके सामने आ जाता है। वह दोनों उठकर वहां से भागने लगते हैं, परंतु इस बार वह चुड़ैल मोनू को पकड़ लेती है और उसके गले में नुकीले और बड़े दांत गड़ देती है और सारा खून पीकर मार देती है। इधर खंडहर के बाहर गेट पर बैठा रघु उनका इंतजार कर रहा था। तभी राजू, सीना और मोनू, जो कि पहले ही मर चुके थे, रघु को अंदर आने को कहते हैं। वो तीनों मर चुके हैं। इस बात से अनजान रघु उनके बुलाने पर अंदर आ जाता है, परंतु जैसे ही वह अंदर आता है उसे किसी चीज की ठोकर लगती है और वह गिर जाता है। जब रघु टॉर्च से देखता है तो घबरा जाता है, क्योंकि वहां सीना की लाश खून से भीगी हुई दिखाई देती है। रघु यह देखकर भागने लगता है और उसे एक एक करके राजू और मोनू की लाश उसी हालत में दिखाई देती है। भागते हुए वह शालिनी से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चीखने लगते हैं। तभी शालिनी कहती है रघु मैं हूं शालिनी, तुम अंदर कैसे आए? रघु कहता है मुझे राजू, सीना और मोनू ने बुलाया, परंतु उनकी लाश उसने रास्ते में देखा है। यहां क्या हो रहा है? रघु शालिनी से पूछता है। एक चुड़ैल है जो यह सब कर रही है, शालिनी उसे बताती है। रघु पूछता है उस चुड़ैल से बचने का कोई तो तरीका होगा, और वह दोनों एक दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं। तभी शालिनी देखती है उस कमरे में चारों तरफ आईने ही आईने लगे हैं। फिर शालिनी देखती है सभी आईने एक समान है, और एक आईना ऐसा है जो उन सभी आईनों से बिल्कुल अलग है, जिस पर लिखा होता है एंड। शालिनी को कुछ कुछ समझ में आता है कि शायद यहां से बाहर जाने का रास्ता या फिर उस चुड़ैल को खत्म करने का राज इसी आईने में छुपा है। वह उस आईने की तरफ जाने लगती है, परंतु वह जैसे ही कदम बढ़ाती है
तभी बहुत तेज हवा चलने के साथ शालिनी उड़कर बहुत पीछे गिर जाती है। वह रघु से कहती है, हमें यहां से बाहर जाना है तो शायद उस आईने को तोड़ना पड़ेगा। परंतु उनके और आईने के बीच एक अदृश्य दीवार है, जिसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह दीवार कोई और नहीं, वही चुड़ैल है। रघु और शालिनी इस बार दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, परंतु वह दोनों उस आईने तक पहुंच पाते उससे पहले ही वहां लगे सारे आईने एक एक करके उन दोनों पर गिरना शुरू हो जाते हैं। वह अपने को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, चारों तरफ बिखरे आईनों से वह घायल हो जाते हैं। शालिनी जैसे तैसे करके उस आईने तक पहुंच जाती है और टूटे हुए आईने का एक बडडडियाट सा टुकड़ा लेकर आईने को तोड़ देती है। आईने के टूटते ही वह चुड़ैल एक डरावनी चीख के साथ वहां से गायब हो जाती है। वहां चीख इतनी भयानक होती है कि शालिनी और रघु दोनों बेहोश हो जाते हैं। परंतु जब उन्हें होश आता है तो वह दोनों अपने आप को एक जंगल में पाते हैं। उन्हें अपने तीन साथियों को खोने का बहुत अफसोस होता है और यह हादसा उनके लिए कभी ना भूलने वाला एक अभिशाप बन जाता है। और इस तरह रघु और शालिनी दोनों बच जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी।